ये एडवांस की ट्रेडमिल है और इसके अंदर E7 का एरर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एडवांस की ट्रेडमिल है और E7 का एरर आ रहा है, और अभी इस पर मैं वर्क करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये एरर रिमूव होता है या नहीं होता और इस किस वजह से ये एरर आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका मैंने पूरा पैनल खोला था और ये एरर जो है ना ये रिमूव हो चुका है। अभी बिल्कुल ये मशीन ओके हो गई है और अभी इसकी मैं सर्विस कर रहा हूँ, इसकी और ओवरऑल ऑयलिंग करूँगा, इसको चेक करूँगा। ये देख सकते हैं इसका मैंने पूरा पैनल खोला हुआ था और ये इसका सेफ्टी की स्विच है जिसके अंदर ये एरर आ रहा था, इसके अंदर रस्ट आया हुआ था, ठीक है। वो रस्ट रिमूव हो चुका है और ये बिल्कुल अभी ये मशीन को मैंने बिल्कुल ओके कर दिया है। अभी मैं इसकी सर्विस कर रहा हूँ और फिर सर्विस करने के बाद फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, और जब मैं इसे कंप्लीट फिट कर लूँगा तो मैं इसका रिव्यू आपको दूँगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि इस मशीन की सर्विस हो चुकी है और बिल्कुल ये अपनी रनिंग कंडीशन में आ चुकी है, और ये देख सकते हैं बिल्कुल इसकी बेल्ट भी ड्राइव कर रही है और इसकी सर्विस कंप्लीट हो गई, ठीक है। ओके, देख सकते हैं कि मशीन बिल्कुल ओके हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियो आप देख सकें।